उसके अपने थंबनेल में देख लें कि हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव छात्र कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो कि सारे डाउट्स आपको उसके क्लियर करेंगे, क्योंकि कई सारे छात्रों ने हमसे कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगर आप भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को ज़रूर दे सकते हैं, सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो हमारे सामने जो फर्स्ट कमेंट है शोएब अंसारी जी कह रहे हैं सर इंस्टाग्राम रिप्लाई प्लीज़। तो मैंने यार इंस्टाग्राम चेक किया है आपकी, पता नहीं किस नाम से आईडी है, मुझे नहीं मिली, तो आप अपने आईडी नाम बताओ फिर मैं बताता हूँ आपको। उसके अलावा मोहम्मद साजिद कह रहे हैं सर मेरा मानो में बीओ के माइटी, तो मानो वाले हैं उसके लिए फ़ीस पेमेंट का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, या फिर आप मुझे पर्सनली आप जो है मैसेज करो इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर वगैरह पे, मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा प्रशांत तिवारी कह रहे हैं सर मेरा बीए में 55% है मार्क्स, क्या मेरी स्कॉलरशिप? भाई 55 की क्राइटेरिया अभी तो यही थी, बट अगर कोई न्यूज़ आएगी तो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो वैसे चांस आ जाएंगी 50 अगर प्लस है तो, ठीक है। अजीज़ बानो क्या कह रहे हैं सर मेरा एडमिट कार्ड जो है मैं पेपर शो हो रहा है बट जहाँ पे मॉक एग्ज़ाम होता है वहाँ पे नहीं दिख रहा, तो मॉक एग्ज़ाम होता है वहाँ आपका नहीं दिख रहा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। और मेन चीज़ है मॉक एग्ज़ाम में आपका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, वो जो जनरल एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। अगर एडमिट कार्ड में सारे सब्जेक्ट हैं तो और तो आपको उसी बेस पे आपका एग्ज़ाम होगा, बाकी कोई इशू नहीं है। विनोद कह रहे हैं विनोद कि सर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, कब मेरा एग्ज़ाम होगा और 2020 पास आउट हूँ? तो यार आप ये बताओ कि आपका बीफार्म है कि बीटेक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दीपक यादव सर मेरा आईडी पासवर्ड नहीं शो हो रहा, तो आप एकेटीयू को अब आप दोबारा चेक करोगे शो हो जाएगा, नहीं शो हो रहा तो आप अपने मेल आईडी चेक करो और अपना मोबाइल नंबर चेक करो, आप मैसेज आया होगा, फिर भी आपका नहीं आया तो आप एकेटीयू हेल्पलाइन पर कॉल कर लो, हेल्पलाइन नंबर मैंने ऑलरेडी दे रखा है, नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट में ले लेना। रोहित मिश्रा कहे सर डिटेल्स में वीडियो बनाइए, बिल्कुल, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ, एक दो दिन थोड़ा वेट कर लीजिए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। पंकज कह रहे हैं सर बैक पेपर का फॉर्म नहीं भरा है तो क्या करें? भाई नहीं भरा है तो आपका अब आप अगली बार भर देना, और क्या ऑप्शन है आपके पास? और उसके अलावा दूसरे नेक्स्ट स्टूडेंट जफर इकबाल सर स्पेशल कैरी ओवर पेपर होना चाहिए, सर मैं पास आउट हूँ, स्टूडेंट 2 कैरी ओवर पेपर हैं। बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ होना चाहिए, और मैंने ट्वीट भी किया, तो आप जाके अगर चाहे तो होना चाहिए तो आप लोग यूनिटी बनाइए और रीट्वीट करो उसको, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पबजी गर्ल कह रहे हैं सर मेरा चैलेंज वेरिएशन का नहीं आया, आ जाएगा तो थोड़ा वेट कर लीजिए, अगर बहुत इमरजेंसी आपको तो आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। अनुष्का कह रहे हैं कि सर जो है इस स्कॉलरशिप का कहाँ से अप्लाई होगा? तो स्कॉलरशिप का फॉर्म आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, या फिर आप यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट जा सकते हैं, फिर आपको जल्द ही एक वीडियो मिलेगी उसके रिगार्डिंग। उसके अलावा हिमांशु कह रहे हैं सर मेरा लेफ्ट ओवर का एग्ज़ाम एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, थैंक यू। बिल्कुल थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, आई होप आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। उसके लिए शशांक कह रहे हैं सर सी एस एस का बैक पेपर का क्या होगा? बैक है तो आपका एग्ज़ाम होगा, अगर कोई नोटिस आएगी बताऊँगा दिसंबर जनवरी में उसका, नहीं अगर आपका CSS है मतलब अगर 8 का पेपर है तो 8 में होगा, इवन का तो इवन में होगा, ठीक है। बाकी इट्स यू आर करके हैं, कह रहे हैं मैं फेल हूँ तो क्या करूँ आगे? भाई आप फेल हो अगर ऑडिट वाले सब्जेक्ट में तो आपको बैक देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आगे शिवांगी कह रहे हैं कि सर ये सॉल्व करके दिखाएं ना सारे क्वेश्चन, बिल्कुल कोशिश करेंगे हम। विजय कह रहे हैं सर मेरा MCQ टेस्ट देना ज़रूरी है क्या? नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, चाहो तो MCQ दो, चाहो मॉक टेस्ट दो या ना दो, आपको जो है मेन एग्ज़ाम होता है। छह कह रहे हैं सर हम AKTU हेल्पलाइन पर कॉल किए थे तो कॉल गलत नंबर, कॉल लगता ही नहीं सर्वर, भाई सॉरी छह जी आप पता नहीं किस नंबर पर कॉल किया, आप मुझे कमेंट करो मैं आपको नंबर दे दूँगा, उस पर कॉल करो आपको मिलेगा, और टाइमिंग 10 से 5 बजे है उसकी। उसके अलावा आगे चलते हैं पवन के सर फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा? भाई अभी इवेंट की बात चल रही है, इवेंट लेफ्ट ओवर की, बाकी अगर जो नेक्स्ट का जो न्यूज़ आएगी डिपेंड ऑन कोविड कंडीशन, कोरोना जैसे होगा उस हिसाब से होगा। आयुष कह रहे हैं सर रजिस्ट्रेशन कब से होगा? रजिस्ट्रेशन भाई फ्री टेबलेट की बात करें तो उसके रिगार्डिंग जल्दी वीडियो अपलोड होगी, और BTU छात्रों का शायद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, बाकी अदर स्टूडेंट का भी नहीं हुआ, तो आप थोड़ा वेट कर लो, अगर कोई नोटिस आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। आशीष कह रहे हैं सर रजिस्ट्रेशन किसका करना है? भाई लेफ्ट ओवर का जो एग्ज़ाम छूटे हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। उसके अलावा प्लेसमेंट का कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या नॉन क्रेडिट कोर्स? बिल्कुल पड़ेगा भाई, आपकी डिग्री नहीं आएगी जब तक उसको क्लियर नहीं करोगे। सोलर सिस्टम कह रहे कि भाई मैंने एडमिट कार्ड आ गया लेकिन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं हो रहा, मैं वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ आप जाके देख सकते हैं।
और वहीं जो आपको लिंक मिलेगा ना उसी पे आपको रजिस्ट्रेशन होगा, जहाँ से आपको लिंक मिल रहा है, जहाँ पे आपका आईडी पासवर्ड है उसी के नीचे लिंक होगा। मैंने वीडियो अपलोड किया। आयुष कह रहे हैं सर मेरा KNC 401 CSS का स्वीप का रिजल्ट कब तक नहीं आया? भाई आपका रिजल्ट नहीं आया, आ जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा इमरजेंसी आपको जॉब की एडमिशन है तो आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, बाकी आ जाएगा। खातून साहिबा कह रही सर 8 सेमेस्टर का मैकेनिक्स फॉर्म भर सकते हैं क्या अभी? नहीं, अभी केवल लिफ्ट ओवर का भरा जा रहा है। शिखा कह रहे हैं सर मेरा चैलेंज वेलशन का रिजल्ट अभी तक नहीं आ जाएगा, प्लीज़ वेट। और अलवान अली कह रहे हैं सर मेरा ये रिजल्ट पर NPTY दिखा रहा है। तो NPTY वालों के लिए AKTU ने एक 20 नंबर का ग्रेस दिया, अगर आप 20 नंबर से पास होते तो आपका NPTY हट जाएगा, अदरवाइज आपको बैक देना पड़ेगा या फिर आप एक बार यूनिवर्सिटी चले जाओ। वैसे तो कुछ सॉल्यूशन तो नहीं होगा, बट यही है कि अब 20 नंबर से आप जो है ऐड कर लीजिए, बाकी आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम ट्विटर पे। अंकिता कह रहे हैं सर मेरा बीफार्मा का सेकंड सेमेस्टर है बट मेरा BP 202 का एग्ज़ाम डेट नहीं आई। एग्जीक्यूटिव हेल्पलाइन पर कॉल कर लो, हेल्पलाइन नंबर मैंने ऑलरेडी दे रखा है, कम्युनिटी पोस्ट मिल जाएगा या फिर आप मुझे कमेंट करके ले सकते हो। कुमार अनिल कह रहे हैं सर मेरा COP नहीं COP है, पहले पेपर दे चुका हूँ, मॉक टेस्ट देना नहीं है क्या? भाई क्या करूँ, मैं समझा नहीं आपका। COP है, पहले पेपर दे चुका हूँ। भाई आप पेपर दे चुके हो तो आपको मॉक टेस्ट देना ज़रूरी नहीं, आप चाहो दो चाहो ना दो। रोहित पाल कह रहे हैं सर मेरा एडमिट कार्ड पे ये शो हो रहा है यू आर नॉट अलाउड, बाकी लिंक सब आ रहा है। अगर आप एलिजिबल हो, आपने फॉर्म भरा था या फिर आपका छूट गया तो आप अलाउड हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आप एक हेल्पलाइन पर कॉल कर लो। उसके अलावा या फिर एक मेल आईडी है, मैंने मेल आईडी प्रोवाइड किया था, आप कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा मेल आईडी या फिर कॉल नंबर आपको दे दूँगा हेल्पलाइन नंबर। मोहम्मद करीम सर मेरा आईडी पासवर्ड शो नहीं हो रहा, अब चेक करो शो होगा, ठीक है, नहीं हो रहा हेल्पलाइन में कॉल कर लो। उसके अलावा सर मेरा फार्मा मार्केटिंग का पेपर छूट गया था और कैरियर एग्ज़ाम में नहीं शो कर रहा। अब आप मैं क्या कह रहे हैं समझा नहीं, ये केवल लेफ्ट ओवर का है, अगर आपका बैक पेपर है तो बैक का एग्ज़ाम नहीं हो रहा, केवल लेफ्ट ओवर जो छूटा उसी का पेपर हो रहा। तो बस इतना ही कमेंट पिक करेंगे क्योंकि यार लेट हो रहा काफ़ी, और राइट मेरी तबीयत भी थोड़ा सही नहीं है और थोड़ा बिजी भी चल रहे हैं। तो कल कोशिश करूँगा मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करने की, आपके जो एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट्स के और वेबसाइट किसी वेबसाइट से एग्ज़ाम होगा। बाकी कोई डाउट हो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।